हेलो गाइस, आप सबका फिर स्वागत है मेरे नए वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप फेसबुक से पैसे कैसे कमा सकते हो, फेसबुक से अर्निंग कैसे कर सकते हो। साथ में आपको वो भी तरीका बताऊंगा जिसके द्वारा आप फेसबुक प्रोफाइल को पेज में कन्वर्ट कर सकते हो। तो मेरे वीडियो में बने रहे। इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं अपने चैनल पर इस तरह की वीडियो लाते रहता हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फेसबुक से पैसे कमाने के लिए हमें एक पेज की आवश्यकता पड़ती है या प्रोफाइल की आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों, मैं आपको वह तरीका बताने वाला है जिसके द्वारा आप अपने प्रोफाइल को पेज में कन्वर्ट कर सकते हो और आप फेसबुक से बहुत सारे पैसे कमा सकते हो। दोस्तों, फेसबुक से कमाने के लिए भी उसमें बहुत सारे फेसबुक क्राइटेरिया है, उसको आपको पूरा करना पड़ेगा। मैं आपको दिखाता हूँ कि फेसबुक से कैसे पैसे कमाते हैं और फेसबुक प्रोफाइल को कैसे पेज में कन्वर्ट करते हैं। मैं आपको ले जाता हूँ मोबाइल के डिस्प्ले पे, वहाँ दिखाता हूँ कि अपने फेसबुक प्रोफाइल को पेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। मैं आ गया हूँ मोबाइल के फेसबुक एप्लीकेशन में, फेसबुक एप्लीकेशन को ओपन में करता हूँ। दोस्तों, ओपन करने के बाद हमारे फेसबुक प्रोफाइल में इस तरह का इंटरफेस आता है, तो आपको कोने में हमें थ्री डॉट दिखता होगा। थ्री डॉट पर मैं क्लिक करता हूँ। थ्री डॉट को क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों, आपका प्रोफाइल का जो सेटिंग का पेज है यहाँ पे खुल जाता है। इसमें आपका जो प्रोफाइल का नाम है उस पर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए, आपका जितना भी प्रोफाइल का सेटिंग यहाँ पर आ जाता है, तो लेकिन अब कुछ नहीं करना, आपको सीधे यहाँ पर वो थ्री डॉट दिख रहा है उस पर क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने पर दोस्तों देखिए, इस तरह का प्रोफाइल सेटिंग का इंटरफेस यहाँ पर खुल जाता है। दोस्तों, इसमें नीचे करने पर एक ऑप्शन दिया हुआ है, टर्न ऑन प्रोफाइल मोड। दोस्तों, यही है टर्न ऑन प्रोफाइल मोड, ऐसा सेटिंग है जिसके द्वारा आप अपने प्रोफाइल को पेज में कन्वर्ट कर सकते हो। अब ध्यान से देखिएगा मैं क्या क्या स्टेप कर रहा हूँ। इस स्टेप से करने से आपका प्रोफाइल हो, आपको जो प्रोफाइल है वो पेज में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों, इसमें जो लिखा हुआ टर्न ऑन प्रोफाइल मोड, उसमें क्लिक करता हूँ। क्लिक करने पर दोस्तों देखिए, इस तरह का इंटरफेस खुल जाता है। तो यहाँ लिखा हुआ टर्न ऑन प्रोफाइल मोड, तो वो कुछ नहीं करना है, या वो सिंपल से ब्लू कलर में के अंदर में लिखा हुआ दिख रहा है टर्न ऑन, इसमें मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद दोस्तों, थोड़ा नेट का प्रॉब्लम इसलिए स्लो चल रहा है। देखिए दोस्तों, इसके बाद इस तरह का इंटरफेस खुल जाता है। यहाँ लिखा हुआ वेलकम टू प्रोफाइल मोड, लेट मोर पीपल डिस्कवर योर पोस्ट। लिखा हुआ सेट डिफॉल्ट पोस्ट ऑडियंस टू पब्लिक, इसको यस कर देना है, ठीक है। और कुछ नहीं करना है, आपको नीचे का ऑप्शन दिया हुआ है कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद देखिए, हमारे पास इस तरह का ऑप्शन आता है। इसमें बहुत सारा सेटिंग दिया हुआ है। देखिए, मेरा जो सेटिंग कंप्लीट है, एक पूरा ग्रीन टिक लगा हुआ है। और जो सेटिंग नहीं हुआ है, देखिए यहाँ पर लिख रहा है ऑडियंस प्राइवेसी सेटिंग, इसको मैं क्लिक करता हूँ। इसको मैं स्किप कर देता हूँ, ठीक है। इसको रिव्यू स्किप, इसको भी स्किप कर देता हूँ। क्रिएट ए न्यू कोस्ट, क्रिएट न्यू कॉन्टेस्ट, एड डिटेल योरसेल्फ, एड डिटेल अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए। लर्न हाउ टू क्रिएट एन एड, आपको बता रहा है कैसे क्रिएट एड करें। लिंक योर व्हाट्सएप अकाउंट, अपने अकाउंट को फेसबुक से, अपने व्हाट्सएप अकाउंट को कैसे फेसबुक से लिंक करें, इसमें ये सब जानकारी पूछ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल से आपको इसमें टिक करके इसको भी स्किप कर दें, टिक करके इसको भी स्किप कर देना है। मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। इस सबको टिक करके इसको स्किप कर देना है। स्किप करने के बाद दोस्तों देखिए, मेरा प्रोफाइल है प्रोफेशनल डैशबोर्ड में ट्रांसफ़र हो गया है। देखिए, आपका जितना भी फ्रेंड्स होगा सब फॉलोवर्स में बदली हो जाएगा। इसके नीचे आपको एक बटन दिख रहा है सी डैशबोर्ड, उसमें मैं दिखाता हूँ कि मोनेटाइजेशन के लिए क्या क्या क्राइटेरिया चाहिए। तो मैं आपको सी डैशबोर्ड में ले जाता हूँ, इसके लिए सी डैशबोर्ड पर क्लिक करता हूँ। दोस्तों, सी डैशबोर्ड क्लिक करने पर इस तरह का इंटरफेस खुलता है, तो इसमें ऑप्शन है मोनेटाइजेशन का, उस पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद देखिए दोस्तों, इस तरह का इंटरफेस खुल जाता है, उसको ओपन करता हूँ। इसमें एक ऑप्शन है इन एस्टीमेट को क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए, इसमें सारे क्राइटेरिया इसमें आपको दिख जाएंगे वो क्या क्या चाहिए। इसमें 5000 फॉलोवर्स चाहिए, 60000 मिनट का वॉच टाइम चाहिए, 60 दिन के अंदर में। अगर ये आपको पूरा हो गया तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। अगर आपके फेसबुक प्रोफाइल में 5000 फॉलोवर्स हो जाएंगे और साथ में 60000 मिनट अभी 90 दिन के अंदर में आपका पूरा हो जाएगा, तो आप फेसबुक को मोनेटाइज कर सकते हैं। और फेसबुक को मोनेटाइज अगर आप कर लिए, तो आपका फेसबुक से इन एस्टीमेट के द्वारा आपका अर्निंग शुरू हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, घंटी के निशान दबा दे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के जय हिंद, जय भारत।